खबर है जहां पर चुनावी ड्यूटी पूरी कर लौट रहा शिक्षक इंद्रावती नदी में बहने की खबर है। माध्यमिक शाला के शिक्षक राजू राम का शव मार्टोनाला पार करते वक्त इंद्रावती नदी में गिर गया। दंतेवाड़ा कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने नदी के तट पर होमगार्ड भेजे हैं, पर नदी में बहने की अब तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, कोई भी जानकारी नहीं है। और आपको बता दें कि माध्यमिक शाला के शिक्षक इंद्रावती नदी में गिर गया, खोज के लिए नदी के तट पर होमगार्ड भेजे गए हैं। कलेक्टर ने नदी के तट पर ये होमगार्ड जानकारी के लिए भेजे। ड्यूटी का लौट रहा था ये शिक्षक, तभी यह हादसा हुआ। चुनावी ड्यूटी पर था ये शिक्षक, इंद्रावती में नदी में गिरने की आशंका जताई जा रही है। अधिक जानकारी सर पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता। पंकज, यहां पर वाकई क्या अब तक की पुष्टि हो पाई है कि शिक्षक उसी नदी में गिरा है? बिल्कुल पुष्टि हो गई, शिक्षक नदी में गिरा है, लेकिन शिक्षक की ड्यूटी दलचाड़ जिले के बॉर्डर के पास में लगी हुई थी। हमारी बात दलचाड़ कलेक्टर टोपे को रोमांच हुई थी, उन्होंने ड्यूटी करते हुए कहा 21 दिसंबर को जो चुनाव था उस पर ड्यूटी के बाद शिक्षक का उत्तर लॉक करके अपनी मनपेटियों को जमा कर दिया था। उसके बाद जब वो घर की तरफ जा रहा था तो मुखनाल के पास उसका घर पड़ता है, इंद्रावती नदी के पास में, वही पर नाले पर गिरा है और गिरने के बाद तो क्या अब तक कौन कौन सी टीमें उसकी खोज में लगाई गई हैं? होमगार्ड यहाँ पर भेजे गए हैं कलेक्टर के द्वारा, क्या अब तक किसी भी तरह के उसकी कोई खोजबीन हो पाई है या कोई जानकारी उसके बारे में प्राप्त हो पाई है कि आखिर वो नदी में गिरा तो कब तक उसके जिंदा रहने या न रहने की कोई संभावना? उनका भाव बरामद कर लिया गया है, वापस आने से पुलिस और दलचड़ जिले का होमगार्ड सर, तमाम जानकारी का बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी कहर बरपाने में लगी हुई है शहर में।